बागेश्वर धाम बाबा का जो है ट्रेंड चल रहा है अभी, लगातार जो पाखंडवाद है वो चरम सीमा पर है और लोग जो है बाबा को बहुत सही बता रहे हैं। तो कितने सही हैं बाबा, इसी पर चर्चा करेंगे बम्बम महाराज जी से। तो बम्बम महाराज जी, आपका तिलक तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो सबसे पहले बागेश्वर धाम बाबा की बात कर लें। देखिए, मैं सोशल मीडिया में भी देखा हूँ बागेश्वर धाम बाबा की चर्चा चल रही है और इनके प्रति सनातन धर्म और संस्कृति और सभ्यता के प्रति जो विपरीत विचारधारा हजारों साल से मतलब एक बनाया गया है, उसके तहत इनको भी टारगेट किया गया है। सत्य तो ये है, जो बागेश्वर धाम में कोई भी चमत्कार नहीं हो रहा है, सत्य का दर्शन को हम चमत्कार से नहीं जोड़ सकते। वहाँ जैसा कि मैंने कुछ वीडियो देखा हूँ उसके अनुसार वहाँ जो स्थान है, स्थान में जो बालाजी की कृपा है, वो कृपा प्रत्यक्ष लोगों को दिखाई पड़ रही है और लोग उसी कृपा दृष्टि को देखकर, उसी विश्वास को देखकर, उसी के आलोक में लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। मेरा नाम बम्बम महाराज नौटिया है, एक धार्मिक नाम है हमारा और मैं भी सनातन धर्मी हूँ, कट्टर सनातन धर्मी हूँ। जहाँ तक मेरा अपना निजी आस्था और विश्वास है, उसके आधार पर जो चमत्कार आप कर रहे हैं बागेश्वर धाम में, जिसे मैं सत्य का दर्शन बोल रहा हूँ, इससे बड़ा दर्शन, बड़ा सत्य का दर्शन में आने वाले समय में लोगों को कराऊंगा, उसके लिए भी तैयार रहिए। अच्छा। और आप लोग और आपकी मीडिया औरों की मीडिया उसके लिए भी तैयार रहे। अच्छा, कट्टर सनातनी आप अपने आप को बता रहे हैं, तो कट्टर सनातनी तो भाई बागेश्वर धाम भी है, फिर विरोध आप कर रहे हैं क्या उनको? मैं विरोध नहीं कर रहा। हाँ। मैं आपके चमत्कार को नमस्कार करते हैं कि नहीं करते हैं? आपके शब्द को संयत कर रहा हूँ। आप चमत्कार जिसको चमत्कार बोलते हैं, हम उसको सत्य का दर्शन बोलते हैं। अच्छा, हम चमत्कार नहीं बोलते, सत्य नहीं दिखा रहे हैं। सत्य का दर्शन मतलब क्या हुआ? सत्य को दिखाना। हाँ। सत्य का दर्शन को चमत्कार नहीं बोल सकते। तो सत्य दिखा रहे हैं ना वो? हाँ, जो दिखा रहे हैं। हाँ, तो मानते हैं ना आप? मैं सनातन। हाँ। धीरेन्द्र शास्त्री जी को पीके पिक्चर दिखानी पड़ेगी। जिस तरह पीके पिक्चर में महाराज जी को चैलेंज करा था आमिर खान ने, और वो चैलेंज आपको पता है देश की जनता के सामने हुआ। अच्छा, आप बागेश्वर धाम बाबा के पक्ष में है, विपक्ष में है? मैं पहली बात तो देखो, मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि कुछ उनकी हिस्ट्री मेरे पास आई थी, जो वहाँ के स्थानीय विधायक थे प्रजापति जी, पूर्व विधायक, उन्होंने भी उनके परिवार के बारे में सारा जो है सच बताया था कि उनके पिताजी इस तरह के दारू पीते थे, पर्सनल लाइफ के बारे में सारा उन्होंने बताया। बचपन से संघर्ष किया है बागेश्वर धाम। सुन लीजिए, संघर्ष हर व्यक्ति करता है और कोई व्यक्ति किसी न किसी माध्यम से अपना कामयाब हो जाता है, और ये फैन फॉलोइंग इंडिया के अंदर ऐसी होती है कि आपको ही भगवान मान लेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब आप उनको मतलब सनातनी नहीं बता रहे कट्टर ना, वो चमत्कार कर रहे हैं। चमत्कार कैसे हो? मैं बोल रहा हूँ, मुझे एक दिन बुला लो अपनी सभा के अंदर में। अरे भाई, आज सुनिए, पत्रकार का सारा बता दिया, उसके भाई क्या, भाई का क्या नाम है, भाई जो है उनके, भाई का नाम नहीं पूछना। अरे भाई ने अभी जमीन खरीदी, फ्लैट खरीदा, वो बता दिया। आप सुन तो लो, मैं आपको 10 रंग अलग अलग रंग के कार्ड डाल के दूंगा, ठीक है ना, विजिटिंग कार्ड। अच्छा, अगर महाराज जी, आप तो बोल रहे जिंदगी के बारे में बताने की, वो कलर का चैलेंज है अपन, वो कलर का नाम ही बता देना कि ब्लू कलर का है, स्काई ब्लू कलर का है, ब्लैक कलर का है कार्ड। हाँ। मैं 10 कार्ड डालूंगा पत्रकार की जेब में। बागेश्वर धाम बाबा के पक्ष में सारा पूरा दुनिया आ गई है। छोटे बता रहा हूँ, छोटा सा विषय बता रहा हूँ। ऐसा है, कोई ऐसी शक्ति नहीं है। अगर ऐसी शक्ति होती ना, शक्ति नहीं है, सुन तो लो, अगर ऐसी शक्ति होती तो भारत सरकार, हमारी, हमारे जो नौजवान बेचारे शहीद हो रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि हमारी भारत सरकार उनको हायर कर ले, और जो हमारा रेवेन्यू जो है नुकसान हो रहा है रेवेन्यू का, वो उनका डील कर ले, कॉन्ट्रैक्ट एमएम साइन कर ले धीरेन्द्र जी शास्त्री जी, वहाँ पे ऐसी शक्ति मारे जो दुश्मन हमारे लोग, जो भारतीय लोगों को, हमारी सेनाओं को आक्रमण कर रहे हैं, वो लड़ाई वहीं के वहीं रुक जाए, मेरा सामान। मतलब अब बाबा ये करें, अब ये सैनिक नहीं, सैनिकों को लड़ना चाहिए ना। सुन तो लो, अरे कमाल, सुन तो लो, दूसरी बात, आज हेल्थ सेक्टर में धीरेन्द्र शास्त्री नाम है भाई उनका। सुन तो लो, अब आज हेल्थ सेक्टर में, और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, अगर बाबा जी में इतनी शक्ति है, चमत्कार हो रहा है, आप चमत्कार को नमस्कार ही नहीं कर रहे हैं। एक मिनट रुक, अगर इतनी शक्ति और है मैडम, अरे सुन लो, अगर, अरे यार भी देना दो मिनट यार, मोदी के बाद रुक जाए एक मिनट, आपको एक बात बता रहा हूँ, आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर इतनी शक्ति बाबा जी में है ना, तो मेरा और एक ही निवेदन है, एम्स के बाहर आप जाइए, कितना गरीब शोषित आदमी बेचारा इलाज के लिए तड़प रहा है, सुन लो यार, एक बात
बताइए, डॉक्टर का काम भी उन्हीं धीरेंद्र बाबा को दे रहे हैं, आप डॉक्टर की बात कर रहे हो, का काम भी अब धीरेंद्र चैलेंज कर रहे हैं आप। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिनिस्टर जो लेटर लिखता है एम्स के रिकमेंड के लिए करता है, कंसर्न टू पेशेंट फलाना फलाना, सनातनी है, मैं हूं तो बता रहा हूं ना कैसे हूं, कैसे सनातनी हो के सनातनियों का विरोध कर रहे हैं। तो एक विरोध नहीं कर रहा मैं, अरे मैं अपमान नहीं कर रहा, वो आप अपमान करवा रहे हो, अपमान कर रहे हैं, भारत नहीं सही, मैं सच्चाई बता रहा हूं, आपको देश में रहना है ना तो कट्टर सनातनियों को चमत्कार को नमस्कार करना पड़ेगा। नहीं, हम नमस्कार नहीं करते, झूठा नमस्कार हम नहीं लेते। अच्छा, झूठा नमस्कार हम नहीं लेंगे, झूठा नमस्कार। सुनिए, आप देख लीजिए, आप भावनाएं आहत हो जाएंगी तो फिर आप बायकॉट गैंग आपका भी बायकॉट करने लगेंगे। कोई नहीं बायकॉट गैंग के, उनका खुद आधार कार्ड तो है नहीं, कोई आधार कार्ड तो है नहीं यहाँ पे, उनका खुद का जो बायकॉट गैंग है मुझे कोई मतलब नहीं। आधार कार्ड नहीं, आपने देखा है, बिल्कुल आधार कार्ड है, बिल्कुल है मेरे पास। तो अब आपको मैं दो बात एक बार बता दूं, अगर इतनी शक्ति है तो मैं बोल रहा हूँ हमारे एम्स के बाहर क्यों इतनी लाइन लगी हुई है गरीब आदमियों की, डॉक्टर का काम भी बाबा जी को, बिल्कुल वो अगले बोल रहे हैं कि बीमारी भी ठीक कर देंगे, अपना काम है ना। अरे तो मैं बोल रहा हूँ टेंडर देने का भी, वो धर्म को संभाल रहे हैं, सनातनियों को संभाल रहे हैं। सुन तो लो, वो क्या डॉक्टर पेशेंट को संभाल रहा है, जो पेशेंट हमारा सनातनी नहीं है वो जो जाता है वो क्यों नेताओं के पास चिट्ठी लिखवा जाता है, जाके रिकमेंड करवा ले धीरेन्द्र शास्त्री के नाम से, ठीक हो जाए क्या, इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं फिर अगर बाबा इलाज करने लग जाएंगे तो मैं बोलता रहूं बाबा जी को भी इतना चैलेंज है मेरा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिस्टर मनीष है, मैं ये इतना बताना चाहूँ, मेरा मनीष कनौजी नाम है, कनौजिया जी। मैं आपको ये विरोध कर रहे हैं आप, कट्टर सनातनी नहीं है आप, ये आपके बोलने से नहीं है, कनौजिया है यार। नहीं नहीं, आपको पता क्या है, नाम का फर्क पड़ता है, ध्यान रखिए। सुनिए, जो नाम के अंतर निकालता है, जो नाम की बाली खाल निकालता है, मैं उसकी खाल निकाल देता हूँ। अच्छा, किसकी खाल निकालने की बात कर रहे हैं? मैं जो गलत बोलेगा, सुन लो मेरी बात, इस देश में सबको अधिकार है रहने का, बाबा की तो खाल निकालने की बात, सुनो मेरी बात, मुझे बाबा से कोई पहले तो मतलब नहीं, बाबा पीक पे ट्रेंड पे है, पूरा भारत उनके साथ मैं है। नहीं जानता ना, वो रहता रहे आप चलाते रहो कितना भी, मैं तो नहीं जानता बाबा को, नहीं जानते भाई, बाबा मीडिया पूरा ट्रेंड कर रहा है, बाबा जब यही बाबा ये जब बाबा गलती करता है तब ट्रेंड कहाँ चला जाता है। कौन सी गलती करी बाबा? क्यों अभी दलित समाज के साथ में इतना प्रताड़ना करी उसने बाबा ने, तब आपका काम मीडिया चला गया था, मुझे बताओ मीडिया कहाँ चला गया? अभी एक एक दलित समाज के व्यक्ति को जलील करा उसने, तब कहाँ चला गया था श्रद्धालु? मैं तो भाई आपके चैनल के माध्यम से, सुन लो मेरी बात, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का, अपनी एजुकेशन का प्रयोग करिए, और इस तरह की चीज अगर मानते हो तो ये स्वयं आपके ऊपर तय करता हूँ, ये आपको मानना है या नहीं। एक बात बताइए, जो कट्टर सनातनी होते हैं आप उनका विरोध करने लगते हैं, और फिर जो मुस्लिम है वो भी तो आयत पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, क्रिश्चियन भी, बात तो यही आ रही है कि अगर बाबा जी चमत्कार करे तो पाखंड। बाबा जी नहीं है, आसाराम बाबू जी, पता क्या करते थे वो, कोई भी बेचारी महिला थी ना कि बोलती थी बेचारे के बेटा मांग, तू क्या मांगता है, तो बोलते जा एक दर्जन केले देते आश्रम में, तेरे लड़का हो जाएगा। एक बात बताओ, जो लड़का होना ही तय था, अगर लड़का हो गया तो महाराज जी जिंदाबाद, और लड़की हो गई तो मुर्दाबाद। किसने करा मुर्दाबाद? पब्लिक ही करती है जो श्रद्धालु होते हैं। अच्छा। फिर पता क्या बोलते हैं वो, अरे महाराज जी हमारे लड़का नहीं हुआ, औरों को तो लड़का हो गया था। बम बम महाराज जी को नाराज कर रहे हैं आप, बम बम महाराज जी यही सकते हैं सबसे। बम बम महाराज जी, एक बात बताइए, आप भी सनातनी हैं और ये उनके विपक्ष में है, देखिए। मैं आपको पहले बोला था, तो कोई भी विषय को विषयांतर हो जाने से मूल स्टोरी खत्म हो जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री विषय अगर आज है तो इसको विषय मीडिया वालों ने बनाया है, बनाया है। हाँ, कौन जानता था पहले बताओ। मैं आपको अच्छा, एक चीज बता दूं, मतलब पॉपुलैरिटी भैया, वो इतना इतना लाख लोगों की भीड़ लगती है सुनने के लिए, वो चमत्कार देखने के लिए। मैं आपको क्या करूं, अरे पॉपुलर करने की, एक मिनट मेरी बात सुनिए, या तो जब मेरी से बात हो रही है तो मुझे बोल लेने दीजिए। बुरा मान रहे हैं, मतलब दूसरा बुरा नहीं मान रहा हूँ, बीच में ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, ओवर ट्रेकिंग नहीं होनी चाहिए। एक बात पूरी कर ले फिर कोई दूसरा बोले, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, जैसा कि वीडियो में हम देख रहे हैं, आज भी वीडियो दिखाया, बहुत सारे पत्रकार की भीड़ थी, एक पत्रकार का उन्होंने नाम लिया जिसके चाचा का नाम था, वो उठ के आया, सारी बातें सारे हिस्ट्री बताया, जो दिखा वो यही, उसमें कोई गलत नजर नहीं आया। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि उन्होंने ये चमत्कारी किया, बताया उनका भाई नाम, बता दिया घर खरीदा, ये बता दिया, लोगों के नजर में चमत्कार हो सकता है, हमारी नजर में ये एक सत्य का दर्शन है। नहीं, चमत्कार नहीं है क्या? चमत्कार तो कैसे पता चला कि ये सब है? दरअसल में तो वो गिनती के लोगों, एक मिनट रुकिए, मनीष जी तो आ चुके, दरअसल में एक बार सबको बता दो भाई, आप यहाँ बैठे हैं, आपके पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन से आप चांद तक बात करते हैं, मंगल तक बात करते हैं ना, तो इंस्ट्रूमेंट है ना वो,
अगर इसके बगैर आप किसी से बात नहीं कर सकते, तो ये शरीर जो है, मानव यंत्र जो है, ये बहुत बड़ा कंप्यूटर है। इसका नेटवर्क पूरे ब्रह्मांड से है, और जो अपने नेटवर्क को सही ढंग से जागृत कर लिया है, वो बैठे बैठे पूरे विश्व की परिछाया सब कुछ देख सकता है। तो वो तो आप शास्त्री ने भी तो यही किया है भाई। मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर धीरेन्द्र शास्त्री ने ये बताया है, इसका मतलब साफ है जो वो अपने जो शरीर के अंदर में जो नेटवर्क है, जिसको आप कंप्यूटर युग देखते हैं, इस नेटवर्क को उन्होंने अगर डेवलप किया, तो ये नेटवर्क अगर आप भी डेवलप करेंगे तो आप भी बता सकते हैं। हम डेवलप करके, आपको लगता है कि वाकई में उन्होंने जो है ऊपर भगवान से कनेक्ट करके उनका सच्चाई बता दी? ये असंभव चीज नहीं है। अगर ईश्वर से, देखिए, अच्छा ईश्वर से उनका सीधा कनेक्ट है। अगर आप किसी भी चीज में रमते हैं तो रमे हुए हैं, नेचुरली है। अगर आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया का जमाना है, एक मिनट सुनिए मेरी बात, आपको नहीं लगता सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई अपनी इन्फॉर्मेशन डालता है, वहां पे देख लिया और बता दिया, चमत्कार हो गया? मैं आपको जो चीज सामने दिखाए हैं, अंदर की आप लोगों नेचुरली, अगर आप भी अपने को डेवलप करेंगे तो आप भी बता दीजिए, अभी बता सकते हैं, आप भी बता दीजिए अभी क्या करने वाले हैं और मेरा क्या होने वाला है। ऐसा है, आपका होने वाला ये है, आपका अभी होने वाला ये है, जो हमारे इंटरव्यू खत्म होगा आप अपने रास्ते जाएंगे, हम अपने रास्ते जाएंगे, मेरे पॉकेट में कौन सी, अभी तो यही होने वाला है। बम्बम महाराज जी, आप भी सीमा पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कनेक्शन बनाइए ना जल्दी। हमारा कनेक्शन बना हुआ है, प्रकट अभी नहीं हुआ है, प्रकट नहीं हुआ है, समय आने पर हम प्रकट करेंगे। मतलब सबके अंदर धीरेन्द्र शास्त्री है, मानते नहीं है, लेकिन सबके अंदर, आपके भी अंदर, पूरे ब्रह्मांड भाई मेरे अंदर नहीं है धीरेन्द्र शास्त्री, मैं धीरेन्द्र शास्त्री नहीं हूँ। मैं आपको ये नहीं बोला धीरेन्द्र शास्त्री, आपके मैं ये बोला सबके अंदर में जो मनुष्य मानव ने परमात्मा ने बनाया है, ये तो आप चलिए, इसके अंदर में जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक पॉलिटी में जो भी है ना, जो चिप्स है ना, वो चिप्स को जिसने डेवलप कर लिया है, कि वो जो बता रहे वो सत्य है, सत्य का दर्शन है, वो सत्य का दर्शन है। सुनिए मेरी बात, गुजरात में जब उन्होंने वहाँ से, गुजरात में पता है ना एक संस्था है, जब उसने सच्चाई की जब वहाँ पे दिखाया तो बाबा जी भाग निकले लंगोट उठा के। ऐसा है, मुझे नहीं पता गुजरात की कौन संस्था ने क्या क्या नहीं किया। संस्था इतनी जानी मानी है, वो हर बाबा का पाखंड दूर करती है। आप एक काम, हर बाबा का पाखंड खोल देती है। एक काम कीजिए, गुजरात के उस संस्था को मैं यहाँ से चैलेंज करता हूँ, वो आ जाए। जब बाबा वहाँ से लंगोट उठा के निकले ना, तभी तो ये बाबा, तभी बाबा के चमत्कार को, गुजरात की संस्था को चमत्कार पे उंगलियां उठी हैं। अभी मैं चमत्कार की बात नहीं, मैं अपना चमत्कार नहीं दिखाया हूँ, कुछ बोला हूँ, लेकिन गुजरात की दिखा दो, आपके भी चार हाथ को चैलेंज करता हूँ, गुजरात की संस्था आए, उसको सारा सारा सत्य दिखाऊंगा। और उसको अगर वो कहते हैं धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी शास्त्री जी नगौन छोड़ के भागे हैं, तो गुजरात की उस संस्था को मैं उसका बेपर्दा कर दूंगा, उसको ईश्वर का हर सत्य का दर्शन करा दूंगा। अरे भाई आप भी जाएंगे ना बम्बा महाराज, तो आप भी लंगोट उठा के भागेंगे, वो आएंगे हमारे पास में, चैलेंज कर दिया आपके माध्यम से, आपके माध्यम से चैलेंज कर दिया, चार हाथ दर्शन कराने के लिए संस्था है। अगर आपके अंदर शक्ति है तो अभी खड़े खड़े मुझे भस्म कर दीजिए, मुझे श्राप दे दीजिए। सनातन धर्म में भस्म नहीं किया जाता, श्राप दे दीजिए ना, श्राप भी नहीं दिया जाता। हम तो हृदय से लोगों को, जिंदा को मुर्दा करने की, मुर्दा को जिंदा करने की कोशिश करते हैं। हम जीवन देने वाले हैं, हम जीवन देने वाले हैं, हम जीवन लेने वाले नहीं है, समझे ना। हमारा तो वो संस्कृति, एक बात बताइए, अभी शराब दे दें तो मैं भस्म हो जाऊंगी कि नहीं? क्यों शराब दे देंगे, क्यों शराब, क्योंकि आप शराब दे ही नहीं पाएंगे। शराब क्यों देंगे, शराब का वजह क्या है? अच्छा, कनेक्शन नहीं बना अभी ऊपर वाले। शराब वही फलता है जहाँ शराब का वजह होता है। अच्छा, किसी, आप सुनने होंगे किसी की मुंह में सरस्वती वास करती है, लेकिन वो हमेशा वास करती है, हमेशा नहीं होता। अच्छा, हर चीज का एक, ऐसे तो निर्मल बाबा भी थे, बताते थे भाई समोसा जो है हरी चटनी के साथ, और जो है ना ये सब प्रोडक्ट थे, ये सब मीडिया के प्रोडक्ट थे। ये अभी बहुत सारे चर्चों वाले पादरी वाला मैं देखा हूँ यूट्यूब में, और ये जो देखा हूँ क्या बोल रहे हैं कि हनुमान चालीसा, अरे छोड़िए मेरी बात सुनिए, हनुमान चालीसा पूरी आती है पादरियों का जो देखा हूँ, सुनिए ना, हनुमान चालीसा पूरी आती है आपको? ऐसा है, हनुमान चालीसा अगर हम सनातन धर्मी है तो हमें जरूर आती है, आती है तो सुना दीजिए, ये देखिए चैलेंज कर रहे हैं, सुनाने की इतना समझा पर सुनाने, ये किसी के चैलेंज ना, ना किसी के चैलेंज करने पर हम हनुमान चालीसा का पाठ करें ये नहीं हो सकता। वैसे मैं
वैसे मैं शुरुआत में जो दोहा है कर देता हूँ, श्री गुरु चरण सरोज रजा निर्मल मुकुरुषधार वर्णम रघुबर बता रहे सबको पता है। अरे बात यह है, मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक एक शुरुआत कर दिया तो आपका कनेक्शन है भस्म कर देंगे आप मुझे। नहीं भस्म नहीं कर सकते हम तो जीवन देंगे, हम भस्म नहीं कर सकते, जीवन दे रहे हैं। तो भैया अभी कह रहे हैं ना एम्स में इतने मरीज बैठे हुए तो वहाँ उनको जीवन दे दीजिए, सारा चीज जीवन दे सकते हैं। सुनिए सुनिए ना, जीवन दे सकते हैं एम्स में जितने मरीज हैं, हम क्या कर सकते हैं। अरे मैडम कहाँ जीवन और मरण सुनो ना मैडम, जीवन खराब कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुनो ना, बाबा की बात कर रहे हो आप, बाबाओं की। बाबा तो हमने सतपाल बाबा भी देखे, बाबा तो हमने राजपाल बाबा भी देखे, बाबा तो हमने राम रहीम भी देखे, और बाबा तो वो बड़े बड़े वाले बाप बेटे थे, क्या नाम था सबका, जितना नाम लिया ना, किसी ना? से हिंदू से सनातन से संबंध नहीं है, ये सब प्लांटेड है और सब बहुरूपिये है। नहीं सब प्लांटेड लोग भगवान मानना मैडम, सच है आप असली है, बिल्कुल असली नंबर वन, आपका तो सीधा कनेक्शन है, मेरा कनेक्शन लग रहा है आपके, विष्णु जी का अवतार है आप शायद, समय पर विष्णु जी का अवतार है, चार हाथ पैर आ जाएंगे, समय आने दीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, उचित समय पर सभी दर्शन, ब्रह्मा जी को फेल कर रहे झूठ बोल रहे हैं ईश्वर वाले, ब्रह्मा जी उचित उचित समय आने दीजिए, झूठ बोल, समय आने दीजिए उचित समय पर, मतलब उन सब बाबाओं से भी बड़े वाले बाबा हैं, बाबा नहीं सत्य का दर्शन, सत्य का दर्शन और सत्य का दर्शन। मैं कह रही हूँ कि अभी सुनिए ना, मैं कह रही हूँ आपका कनेक्शन ऊपर वाले से बन गया, उन मरीजों को ठीक कर दीजिए। आप बुद्ध को मानते हैं? मैं तो बुद्ध को मानती हूँ। मानते हैं हाँ। तो वो थे कौन? वो अरुणाचल प्रदेश में चीन घुस रहा है उसको रोक दो। वो थे कौन? ये बोल रहे चीन घुस रहा है उसको रोक दीजिए, घुस रहा है अपनी शक्ति से, ये पाकिस्तान के बॉर्डर पे बेतुकी बात करता है। अच्छा सुनिए, सुनिए ना, सुनिए मतलब नहीं है ना, प्रधानमंत्री जी को शक्ति दे दीजिए फिर, तुम तो राष्ट्रपति बनने, प्रधानमंत्री जी को शक्ति देने की बात जो है ना वो मैं लिख के देता हूँ। अच्छा वो रास्ता, वो सब कुछ भेजता हूँ उनको, वो अगर मुझे रास्ता दिया होता राष्ट्रपति तो अभी तक जो है ना बहुत कुछ कर दिए रहते। तुम तो पिक्चर देखिए बोल रहे हैं, दोबारा करवा देते हैं ज्यादा बता दो, 25 तारीख को वो पठान रिलीज हो रही है, देखने जा रहे हैं कि नहीं? मैं बॉलीवुड का कोई फिल्म नहीं देखता, मैं नहीं देखता असल में, फिल्म देखता नहीं, और फिल्म नहीं देख सकता, पठान नहीं देखते या फिल्म ही नहीं, मैं कोई भी फिल्म नहीं देखता, बोल रहे हैं ना, हकीकत में फिल्मिस्तान में जाके कोई फिल्म नहीं देखता, इतना टाइम भी नहीं मिलता, और दूसरी बात मैं टोटल भी तो हो गई, अब क्या जाएंगे, टोटल बम्बैया फिल्म का हम बहिष्कार करते हैं, बॉलीवुड का टोटल का बहिष्कार करता हूँ, वो कलाकार नहीं है, कलाकार के नाम पर कश्मीरी पंडित जो मूवी थी उसका बहिष्कार करते हैं, कलाकार नहीं है, कश्मीरी पंडित जो मूवी है, जहाँ सत्य का दर्शन होगा वहाँ समर्थन करेंगे, वहाँ असत्य होगा वहाँ विरोध करेंगे, कश्मीर फाइल का बम्बैया, बॉलीवुड 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 सुनिए, बॉलीवुड एक भारत के लिए कलंक है, बॉलीवुड भारत के लिए ग्रहण है, बॉलीवुड कश्मीर फाइल भी कलंक है, कश्मीर फाइल सत्य का दर्शन है, अच्छा झूठ बोल रहे, सत्य का दर्शन है भाई, ये कहाँ से लाते हैं ज्ञान आप? ज्ञान नहीं हाँ। जो सच है सच, एक बात बताइए, अभी आप बम्बैया का बहिष्कार कर रहे थे, वो कलंक है, कश्मीर फाइल का मैंने बोला तो बहिष्कार नहीं कर रहे, एक्टिविटी इनकी एक्टिविटी में बहुत फर्क है, आप इस देश में रहना है कि नहीं रहना आपको? अब आप रहने देंगे तो रहेंगे, मतलब आप बम्बैया का पहले बहिष्कार कर रहे हैं और कश्मीर फाइल का आप समर्थन, वहाँ सत्य है, अच्छा, वहाँ सत्य, आपने आपको कैसे पता, आपने खोज करी थी? हमें खोज किया हुआ है, अच्छा आपने खोज की है, कश्मीरी पंडित को फिर अभी तक क्यों नहीं अग्निहोत्री ने वो पैसा दिया जितना उस फिल्म से कमाया है? देखिए अग्निहोत्री से हमारा क्या लेना, एक मिनट, अच्छा अग्निहोत्री नहीं भाई सुनिए ना, को विषयांतर, अच्छा मैं विषयांतर कर रही हूँ, आपको एक जीरो नहीं पता चल रहा है इस बात का, एक बात सुनिए, कश्मीर फाइल बनाने वाले जो अग्निहोत्री है उसने जो है हकीकत की बात बताई, ठीक है हकीकत दिखाई ना, बिल्कुल सत्य दिखाया, सत्य दिखाया, लेकिन जो पैसा आया कश्मीरी पंडितों की मदद की उन्होंने, अब ये की या नौ की इसके से हमको जवाब नहीं, बाहर बंगला खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, ये इशू, ये विषयांतर इशू है, ये विषयांतर इशू है, अग्निहोत्री ने अगर पैसा कमा लिया, जब अगर सलमान ऐसा नहीं कमाया, नहीं नहीं कमाया तो सलमान खान जो कमाता है और करण जो कमाता है, भाई एक बात सुनिए ना, हिस्ट्री बता रहे हैं ना, वो हकीकत बता रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों के दुख दर्द के लिए मैंने ये फिल्म बनाई और उनकी मदद करूंगा, कहाँ गया पैसा? नहीं पैसा तो गया, उनके पास गया ना, आपने देखा सीएसआर में गया है, आपको पता चला?
भाई कैसी कमाल की बात कर, झूठ बोलने से कुछ नहीं होता है। आपके पास है प्रूफ, प्रूफ है बंदा अग्निहोत्री, सुनिए, बंगला खरीदा उसने, बंगला खरीद के बाहर घूमने गया, पैसा कहाँ दिया? क्या मतलब कश्मीरी पंडित फिर क्यों अभी तबाही कर रहे हैं? क्यों यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर आकर बैठे हुए थे? सुनिए ना, सुनिए कश्मीरी, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए कश्मीरी पंडित यहाँ पर जब द कश्मीर फाइल आई ना, सुनिए ना, सुनिए सुनिए, पांच लोगों का नाम बता रहा हूँ, नाम सुनते जाइए। किसका नाम सुना रहे हैं? नाम सुनाता रहा हूँ, एम के रहना। अच्छा, आप देने गए थे पैसा, आप देने गए थे पैसा, तो वो कश्मीरी पंडित कौन थे जो यहाँ पर आए थे जब फिल्म बनने के बाद, जो यहाँ पर पूरा दुख बयां कर रहे थे, कह रहे अग्निहोत्री ने एक रुपया नहीं दिया? कौन देगा? उसके बाप ने कमाया था। अच्छा, कश्मीरी पंडितों का दुख तो वही दिखा रहे थे, दिखा रहे थे मतलब पैसा कमाया ना उन्होंने। भाई बोल रहा था, बंदा बोल रहा है कि भाई कश्मीरी पंडितों का, दुनिया बोलती है, दुनिया बोलती है, क्या क्या नहीं बोला? अरे भाई हद होती है अंधभक्ति की। अरे अंधभक्ति की नहीं, जो वादा किया है ना बड़े भाई, देखो वादा पूरा, इनको 22 साल से परेशानी, इनका इंटरव्यू। अब क्या हुआ बात, भागने लगे, देखिए जवाब नहीं मिला तो भागने लगे, भाग गया वो बंदा जो अभी बोल रहा था कश्मीरी पंडित के लिए पैसा दिया, और ये बंदा भागने लगा जब मैं पूछने लगी, तो आप देखिए सामने ये है इनके पास जवाब, और ये इस तरीके से आते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, और सच्चाई जब पूछने लग जाओ और बात पे बात दागने लग जाओ तो ये ऐसे भागने लगते हैं। आपने देखा अभी अभी मैंने कश्मीरी पंडितों की दुख दर्द की बात की, तो ये बंदा चार लोगों के नाम गिना रहा था जिसमें से एक का ही नाम गिनाया, उसके बाद भागने लगा। तो ये इनकी हकीकत है। ऐसे ही बागेश्वर धाम बाबा जो हैं वो लगातार जो चमत्कार दिखा रहे हैं, उस चमत्कार के लिए आप क्या सोचते हैं आप भी बताइए, क्योंकि मैं नहीं बोलूँगी, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, क्योंकि भाई सबका धर्म है, और पाखंड है कि नहीं है ये तो मीडिया वाले ही बता सकते हैं ज़्यादा अच्छे से, जो नेशनल मीडिया है वो ज़्यादा चला रहा है। तो आप देखते रहिए जनहित आवाज़।